Hey dosto, I welcome you all to the Sahas Institute, your own personalized tuition. Dosto, aaj ke session ke andar main MS University ke TY BCom mein 5th semester mein padhne wale bachchon ke liye ek important announcement leke aaya hu. 6th August 1945 ko अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर सडनली न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिए थे. सर, तो ये हमको क्यों बता रहे हो आज? क्योंकि आज के दिन यानी कि 27 नवंबर 2020 को इसी तरह का एक न्यूक्लियर बॉम्ब सडनली एमएस यूनिवर्सिटी ने टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के ऊपर फेंका है, जो कि आपके मोबाइल पे या आपके मैसेज पे या आपके मेल में गिर चुका है. और उसके अंदर एमएस यूनिवर्सिटी ने फिफ्थ सेमेस्टर की अपनी इंटरनल एग्जाम का टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है. और मेजोरिटी स्टूडेंट्स पिछले 6-8 महीनों से जो आराम में चले गए थे, उनको सडनली हार्ट अटैक आने वाला है कि सडनली एग्जाम इतने शॉर्ट नोटिस पे. देखो, आज 27 नवंबर हो गई है, 10th दिसंबर से ये एग्जाम का टाइम टेबल है. इसका मतलब कि 12 दिनों की शॉर्ट नोटिस पे ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है. तो इस सेशन के अंदर मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन एमएस यूनिवर्सिटी का आया है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूं. तो जरा ध्यान से सुन लेना इसको. एमएस यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के हिसाब से आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 10th दिसंबर को यानी कि थर्सडे को होने वाला है, और वो रहेगा बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का. देन सेकंड पेपर 11th दिसंबर यानी कि फ्राइडे इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि आईटी का है. देन थर्ड 12th दिसंबर को यानी कि सैटरडे को एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम रहेगा. फोर्थ पेपर 14th दिसंबर को, 13th दिसंबर संडे को आपको हॉलीडे रहेगा. मंडे ओबी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की आपकी एग्जाम होगी. देन 15th दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को ऑडिट सब्जेक्ट की आपकी एग्जाम होने वाली है. 16th दिसंबर यानी कि वेनसडे को एडवांस अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट की एग्जाम होगी. एंड 17th दिसंबर यानी कि थर्सडे को जीएसटी सब्जेक्ट की एग्जाम कंडक्ट की हुई है दोस्तों. तो इस टाइम टेबल को आप लोग याद रखना और अपनी नोटबुक में लिख दो इसको. इस नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी बता देता हूं. टाइम टेबल तो बता दिया, आपकी जो एग्जाम होगी उस एग्जाम का टाइम टेबल रहेगा सुबह 9 बजे से 9:40 का. ये आपका एग्जाम का टाइम रहने वाला है, यानी कि 40 मिनट की आपकी ये एग्जाम होने वाली है. हर एक पेपर आपका 40 मिनट का होगा. ये एग्जाम जो है दोस्तों वो ऑनलाइन होने वाली है. ये ऑनलाइन एग्जाम आप अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से दे सकते हो, पर ये आपकी ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है. तो ये चीज आप लोगों के लिए न्यू होगी, क्योंकि आप पहली बार अपनी ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हो. इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और रूल्स रेगुलेशन है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट सेशन में डिटेल इंस्ट्रक्शन दूंगा. यहां पे ये थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर कंफ्यूजन है. कुछ स्टूडेंट्स के पास ऐसा मैसेज है कि यहाँ पे 15 एमसीक्यू आएंगे और हर एक एमसीक्यू 2 मार्क का होगा, यानी कि टोटल एग्जाम 30 मार्क्स की होगी. कुछ लोगों के नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है कि यहाँ पे 30 एमसीक्यू है, 2 मार्क्स ईच यानी कि 60 मार्क की एग्जाम है. तो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है 30 हो या 60 हो, हमको तो प्रिपरेशन करनी ही है. बट मोस्ट प्रोबेबली 30 एमसीक्यू 2 मार्क्स ईच यानी कि 60 मार्क्स की होगी, क्योंकि प्रीवियसली एमएस यूनिवर्सिटी ये बता चुकी है कि इंटरनल एग्जाम 60 मार्क्स की होने वाली है. पर इसके अंदर और आगे कोई भी अपडेट होंगे तो मैं आपको जरूर नोटिफाई करूंगा. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है कि ये एमसीक्यू एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अब मेजोरिटी स्टूडेंट्स को तो ये नेगेटिव मार्किंग की सिस्टम क्या होती है वही नहीं पता होगा, तो आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. और अगर किसी को पता हो, सपोज सीए की प्रिपरेशन करते हो और उनको पता हो कि नेगेटिव मार्किंग भी होता है, मतलब इसमें ऐसा होता है कि अगर आप रॉन्ग आंसर टिक करते हो तो आपके करेक्ट आंसर में से मार्क्स माइनस किए जाते हैं. बट यहां पे एमएस यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगी उसके अंदर ये नेगेटिव मार्किंग की सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. और बाकी की सारी जो इंफॉर्मेशन है यानी कि एग्जाम में सिलेबस क्या होगा, एग्जाम में हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम के लिए हम एक कम टाइम के अंदर कैसे हमारा नॉलेज परफेक्ट बढ़ा के फुल स्कोरिंग कर सके,
ऑनलाइन एग्जाम के रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, ऑनलाइन एग्जाम के लिए वेबसाइट, उसके क्रेडेंशियल्स यानी कि आईडी पासवर्ड वो हमें कैसे मिलेंगे, इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो उसके लिए आपको अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे वो लोग जाग जाए और अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त लेवल पे स्टार्ट कर दे। प्रिपरेशन में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। क्लियर? सो दोस्तों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।